दोस्तों, आज हम लोग रॉयल्टी अकाउंट्स में इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखने वाले हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो रिलेटेड है चेंजिंग द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट एवरी ईयर। कहने का मतलब यह है कि हर साल मिनिमम रेंट का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि लीसी और लेसर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और इन दोनों में ये एग्रीमेंट होता है कि रेंट का जो अमाउंट है वो हर साल चेंज हो जाएगा। तो लेसर ये कहता है कि हमको हर साल अलग अलग अमाउंट चाहिए, यानी कि अगर एक साल में 2000 मिल रहा है तो दूसरे साल में 4000, तीसरे साल में 6000, चौथे साल में 8000, पाँचवें साल में 10000। इस तरह से रेंट का अमाउंट जो है हर साल चेंज होता जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2009 द मित्तल कॉलरीज लिमिटेड टुक अ पीस ऑफ लैंड ऑन लीज। अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹2000 इन द फर्स्ट ईयर, ₹4000 इन द सेकेंड ईयर एंड देयर आफ्टर ₹6000 पर एनम इज टू बी मर्जिंग इन टू रॉयल्टी ऑफ 40 पैसा पर टन विथ पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग्स ओवर द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज ओनली। द फिगर्स ऑफ एनुअल आउटपुट फॉर द ईयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2009 टू 31 दिसंबर 2012 वर 1000, 10000, 18000 एंड 20000 टन रेस्पेक्टिवली। ओपन द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द लीजी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2009 को मित्तल कॉलरीज लिमिटेड ने लैंड का एक टुकड़ा लीज पे लिया जिसका मिनिमम रेंट 2000 इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर को 2000 रुपये था, 4000 इन द सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर को 4000 रुपये था एंड देयर आफ्टर 6000, उसके बाद 6000 के, और मर्जिंग इनटू रॉयल्टी ऑफ 40 पैसा पर टन, यानी कि जो भी रॉयल्टी का जो अमाउंट निकलेगा वो 40 पैसा पर टन, हर टन पे 40 पैसे के हिसाब से रॉयल्टी निकलेगी। विथ पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज ओनली। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो है फर्स्ट 3 years में ही आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको जो है फर्स्ट 3 years में ही रिक्यूप कर सकते हैं। ये जो लाइन है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही होता है। अगर इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, इसको अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। इस क्वेश्चन का जो लाइन है मेन लाइन यही है कि फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज ओनली, यानी कि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप का जो है वो फर्स्ट 3 years में ही आप लोग रिक्यूप कर सकते हैं, अदरवाइज रिक्यूप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो अमाउंट अगर रिक्यूप नहीं होता है तो वो अनरिक्यूप्ड हो जाएगा और वो पीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। द फिगर्स ऑफ एनुअल आउटपुट फॉर द ईयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2009 टू 31 दिसंबर 2012 वर। तो आउटपुट का जो फिगर दिया हुआ है कि 2009 से 31 दिसंबर 2012 का क्या था, तो 1000 टन, 10000 टन, 18000 टन, 20000 टन रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि 2009 में 1000 टन, 2010 में 10000 टन, 2011 में 18000 टन और 2012 में 20000 टन। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपन द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द लीसी, यानी कि लीसी के बुक्स में जो नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं वही अकाउंट्स बनेंगे, उसी का लेजर हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग किस किस का लेजर बना सकते हैं? एक तो रॉयल्टीज अकाउंट का लेजर बना सकते हैं, दूसरा लैंडलॉर्ड्स अकाउंट बनाएंगे, तीसरा शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन देखने के बाद अब हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। तो एनालिटिकल टेबल में जो है 10 कॉलम हम लोग खींचते हैं, 10 कॉलम बनाते हैं। तो 10 कॉलम आप लोग बना लीजिएगा। जो फर्स्ट कॉलम जो रहेगा वो ईयर का रहेगा, सेकेंड कॉलम जो है आउटपुट टर्न्स का रहेगा, और थर्ड कॉलम जो है एक्चुअल रॉयल्टीज़ एट द रेट ऑफ 40 पैसा पर टन, यानी कि जितने भी जो भी टन एट द रेट ऑफ जितने पैसा रहेगा उतना पैसा आप यहाँ पर लिखिएगा, और मिनिमम रेंट, उसके बाद एक्सेस वर्किंग, उसके बाद सफर्ड, उसके बाद रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड, यानी कि शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में, शॉर्ट वर्किंग वाले में 3 कॉलम रहेगा जो कि सफर्ड, रिक्यूब्ड, अनरिक्यूब्ड, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद अमाउंट पेएबल, यानी कि रेंट कितना पे करना है हर साल का। तो ये कॉलम आप लोग बना लीजिए, यानी कि टोटल 10 कॉलम हम लोग बनाएंगे। दोस्तों, बहुत लोगों को यह प्रॉब्लम होती है कि सर एनालिटिकल टेबल कैसे बनाएंगे, कैसे हम लोग इसमें पोस्ट करेंगे, कैसे क्या डालेंगे, बहुत मतलब कि परेशान हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो
तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे आप देखते जाइए, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, बहुत आराम से इसको बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ईयर हम लोग 2009 देखते हैं, तो ईयर 2009 में जो है आउटपुट जो है 1000 दिया हुआ है, और एक्चुअल रॉयल्टी हम लोग निकालेंगे यानी कि 40 पैसा पर टन, 40 पैसा के हिसाब से हम लोग निकालेंगे, तो यह 1000 का निकलेगा 400 यानी कि 400 रुपया रॉयल्टी निकलेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिनिमम रेंट जो है वो 2000 है, यानी कि 2009 का जो मिनिमम रेंट पे करना है लेसी को वो 2000 रुपया है। तो हम लोग ये देखेंगे कि मिनिमम रेंट से एक्चुअल रॉयल्टी कितना ज़्यादा है या कितना कम है, हम लोग इसका डिफरेंस निकालते हैं, तभी हमको ये पता चलता है कि अगर ज़्यादा होगा रॉयल्टी मिनिमम रेंट से तो एक्सेस वर्किंग यानी कि शॉर्ट वर्किंग जो नहीं होगा इसमें एक्सेस वर्किंग होगा, अगर मिनिमम रेंट से एक्चुअल रॉयल्टी कम होगी तो सफर्ड कर जाएगा यानी कि शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि मिनिमम रेंट जो है 2000 है और एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो 400 है, तो 2000 माइनस 400 हम लोग करेंगे तो सफर्ड कर गया कितने का, 1600 रुपये का। तो 1600 जो है हम लोग शॉर्ट वर्किंग वाले में सफर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे, और रिक्यूब्ड वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे, अनरिक्यूब्ड में भी कुछ नहीं होगा, और कैरी फॉरवर्ड में जो है हम लोग लिखेंगे 1600 रुपया, क्योंकि यही 1600 रुपया जो है नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन में यह दिया हुआ रहेगा कि अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूपमेंट कब होगा, और ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि फर्स्ट 3 ईयर्स यानी कि प्रथम 3 वर्ष यानी कि फर्स्ट 3 ईयर्स में ही हम लोग इसका रिक्यूब कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, अगर जितना अमाउंट रिकवर होगा होगा, नहीं होगा उसको अनरिक्यूब्ड करके पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसलिए 1600 रुपया जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, और रेंट का जो पेमेंट होगा वो 2000 रुपया हुआ, क्योंकि इसमें दिया हुआ है मिनिमम रेंट जो है 2000 रुपया है। अब हम लोग ईयर 2010 में देखेंगे आउटपुट कितना है, तो 10,000 टन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 40 पैसे के हिसाब से हम लोग इसका रॉयल्टी निकालेंगे एक्चुअल रॉयल्टीज़, तो 4000 रुपीज़ निकलेगा, और मिनिमम रेंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी और 4000 यानी कि 4000 एक्चुअल रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट भी 4000 है, इस दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, नील निकलेगा, कुछ नहीं होगा, तो ना एक्सेस वर्किंग होगा, ना सफर, ना रिक्यूब, ना अनरिक्यूब्ड, और रिक्यूब्ड और रिक्यूब्ड की तो बात नहीं है, अनरिक्यूब्ड की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि अनरिक्यूब्ड जो दिया हुआ है वो प्रथम 3 साल की बात कर रहा है, वो यानी कि 2009, 2010, 2011, 2011 में हम लोग रिक्यूब कर सकते हैं, उससे पहले हम लोग रिक्यूब नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए रिक्यूब अनरिक्यूब की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। और 1600 जो ट्रांसफ़र हुआ था वो 2009 वाला अमाउंट शॉर्ट वर्किंग का, वो 1600 जो है 2010 में भी रहेगा, कैरी फॉरवर्ड में हम लोग 1600 रुपया लिखेंगे, और अमाउंट पेबल में जो है वो मिनिमम रेंट 4000 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4000 लिखेंगे, क्योंकि लेसर को 4000 का पेमेंट होना है। फिर ईयर 2011 में देखेंगे आउटपुट कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 18000 टन दिया हुआ है, और एक्चुअल रॉयल्टी जो है हम लोग निकालेंगे 18000 का 7200 निकलेगा, और मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 6000, तो 6000 में 7200 अगर आप माइनस करते हैं मिनिमम रेंट से एक्चुअल रॉयल्टी को घटाते हैं, तो इसमें एक्सेस वर्किंग यानी कि मिनिमम रेंट जो है कम है और एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे एक्सेस वर्किंग 1200 रुपया निकलेगा, तो 1200 एक्सेस वर्किंग हो जाएगा। तो इसका जो है अब हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फर्स्ट 3 ईयर्स में आप रिक्यूब कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि जब एक्सेस होता है तभी हम रिक्यूब करते हैं, अगर एक्सेस नहीं होगा तो हम रिक्यूब नहीं कर पाएंगे, तो इसमें है 1200 है यानी कि 1200 रुपया है, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शॉर्ट कितना हुआ था 1600 रुपया, तो 1600 में हम 1200 रिकवर कर लेंगे, अपना पैसा बचा लेंगे 1200 रुपया, और जो नहीं बच पाएगा वो अनरिक्यूब्ड हो जाएगा, और 400 रुपया जो है वो अनरिक्यूब्ड हो जाएगा, और ये जो है पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे 400 रुपीज़ को, और कैरी फॉरवर्ड नील हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, और अमाउंट पेबल जो होगा वो 6000 होगा, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिनिमम रेंट जो है वो 6000 रुपया है, तो 6000 रुपया ही हम लोग देंगे।
फिर ईयर 2012 में देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आउटपुट टन जो है वो 20,000 है और एक्चुअल रॉयल्टी हम लोग निकालेंगे 20,000 का तो निकलेगा 8,000। फिर मिनिमम रेंट जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 6,000, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो एक्सेस वर्किंग निकलेगा 2,000। बट यहाँ पे उसे कोई मतलब नहीं निकलता है क्योंकि आपके पास कोई शॉर्ट वर्किंग है नहीं जिसका आप रिक्यूब करेंगे, इसलिए हम ये देखेंगे कि रेंट कितना देना है। तो लास्ट ईयर में जो हम लोग देते हैं यानी कि विच एवर इज़ हायर, जो एक्चुअल रॉयल्टी जो होता है और मिनिमम रेंट होता है, इस दोनों में जो हायर अमाउंट होते हैं उसको हम लोग रेंट पे करते हैं, यानी कि लेसर को वही अमाउंट पे करते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि 8,000 रुपया जो है एक्चुअल रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट है 6,000, तो 8,000 रुपीज़ हम लोग लेसर को पे करेंगे, तो अमाउंट पेएबल में 8,000 होगा। एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद अब हम लोग रॉयल्टीज अकाउंट का लेजर बनाएंगे लिसी के बुक में। तो ईयर 2009 लेंगे और डेट जो है 31 दिसंबर 2009। तो टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे और रॉयल्टीज़ का अमाउंट जो था वो 400 था, तो 400 यहाँ पे लिखेंगे और 2009 31 दिसंबर बाई प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे 400, यानी कि केवल हम लोग रॉयल्टीज़ का एक अमाउंट देखना है यहाँ पे। तो जनरल एंट्री जैसे हम लोग करते हैं, रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टीज़ और लैंडलॉर्ड को ही देखना है क्योंकि रॉयल्टीज़ डेबिट है और लैंडलॉर्ड जो है वो क्रेडिट है। तो जब जनरल एंट्री में लैंडलॉर्ड क्रेडिट है तो हम लोग यहाँ पे रॉयल्टीज़ अकाउंट का जो लेजर बनाएंगे उसमें लैंडलॉर्ड जो होगा वो डेबिट साइड में होगा। रॉयल्टीज़ का जो अमाउंट होता है उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जनरल एंट्री जो हम लोग करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज़ अकाउंट, अब ये देख लीजिए जनरल एंट्री में पीएल जो है वो डेबिट है और रॉयल्टीज़ जो है वो क्रेडिट साइड में है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे रॉयल्टीज़ अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो पीएल जो है जो डेबिट था उसको हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे क्योंकि जस्ट अपोजिट एंट्री होती है, यानी कि जनरल एंट्री अगर हम करते हैं उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री लेजर में होती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बाई पीएल करेंगे। और कितना अमाउंट है यानी कि 400 रुपीज़, 400 डेबिट होगा और 400 क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हम लोग 2009 का खाता क्लोज करेंगे और फिर 2010 में भी ऐसे ही होगा, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, जितना अमाउंट था रॉयल्टीज़ का 4,000, तो 4,000 डेबिट 4,000 क्रेडिट। फिर इसी तरह 2011 में करेंगे, टू लैंडलॉर्ड 7,200 बाई पीएल 7,200। फिर इसी तरह ईयर 2012 में करेंगे, टू लैंडलॉर्ड 8,000 रुपीज़ 8,000 और ईयर 2012 31 दिसंबर बाई पीएल 8,000। तो इस तरह हम लोग रॉयल्टीज़ अकाउंट का लेजर मेंटेन करेंगे। फिर हम लोग लैंडलॉर्ड्स अकाउंट का लेजर मेंटेन करेंगे, तो लेसी के बुक में लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो ईयर 2009 हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट, अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि टू लैंडलॉर्ड है, यानी कि लैंडलॉर्ड का जब हम लेजर बना रहे हैं, जनरल एंट्री में लेजर जो है क्रेडिट साइड में है और जब इसका लेजर हम लोग बनाएंगे तो जो डेबिट साइड में होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में यहाँ लेजर में लिखेंगे, यानी कि बाय रॉयल्टीज़ अकाउंट लिखेंगे और बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिखेंगे। तो 400 जो रॉयल्टीज़ का अमाउंट था वो 400 लिखेंगे और शॉर्ट वर्किंग का जो 1600 था वो 1600 अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद जब हम लोग सेकेंड एंट्री जो करते हैं लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो भी लिखते हैं, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे टू कैश करेंगे, यानी कि लैंडलॉर्ड टू बैंक या कैश जो करते हैं, तो कैश या बैंक जो होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, लेकिन यहाँ पे जो लेजर बनाएंगे लैंडलॉर्ड का तो कैश अकाउंट जो होगा वो डेबिट साइड में होगा। तो कितने का अमाउंट है, 2,000 का है, तो 2,000 हम लोग डेबिट में और 2,000 क्रेडिट में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये खाता क्लोज हो जाएगा, 2009 का जो है बैलेंस हो जाएगा। फिर 2010 का उसका हम लोग लेजर मेंटेन करेंगे, तो 2010 में हम लोग देख लेंगे कि शॉर्ट वर्किंग था या नहीं था, तो हम लोग एनालिटिकल टेबल से ये देख के पता कर सकते हैं कि उसमें शॉर्ट वर्किंग है या नहीं है या एक्सेस वर्किंग है कि नहीं है। तो उसमें ना एक्सेस वर्किंग है ना शॉर्ट वर्किंग है, ना ही कोई रिक्यूपमेंट है वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंपल एंट्री करेंगे, बाय रॉयल्टीज़ 4,000 करेंगे और टू कैश अकाउंट करेंगे 4,000। फिर 2011 में देखेंगे कि कोई एक्सेस वर्किंग तो नहीं है 2011 में, तो एक्सेस वर्किंग है, यहाँ पे एक्सेस वर्किंग है 1,200 रुपये का,
जब हम लोग पेमेंट की एंट्री करते हैं उसी समय हम लोग एक्सेस वर्किंग की भी एंट्री करते हैं, यानी कि लैंडलॉर्ड को जब पेमेंट की एंट्री होती है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू कैश अकाउंट। तो इसी तरह क्या है कि शॉर्ट वर्किंग जो है लेसी के लिए वो इनकम है, इसलिए टू शॉर्ट वर्किंग हम लोग लिखते हैं, यानी कि क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो जब जनरल एंट्री हम लोग बनाएंगे लैंडलॉर्ड का, तो जो क्रेडिट है वो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी कि टू शॉर्ट वर्किंग 1200 रुपीज़ और टू कैश जो है 6000 रुपीज़, यानी कि रेंट जो पेमेंट हुआ है वो 6000, यानी कि टोटल अमाउंट जो है 7200। और वहाँ पे बाई रॉयल्टीज़ लिखेंगे 2011 31 दिसंबर को 7200, यानी कि जब हम लोग जनरल एंट्री करते हैं रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो यानी कि 7200 जो अमाउंट आया था तो वही अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यह 2012 में जो है सिर्फ दो एंट्री हुई थी, यानी कि पहले तो लैंडलॉर्ड को ड्यू की एंट्री और दूसरा लैंडलॉर्ड को पेमेंट की एंट्री। तो रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड हुआ था और लैंडलॉर्ड टू बैंक, यानी कि रॉयल्टीज़ डेबिट है तो यहाँ पे रॉयल्टीज़ क्रेडिट कर देंगे 8000, और टू कैश या बैंक जो भी है उसको 8000 कर देंगे डेबिट साइड में। तो इस तरह से ईयर 2012 का भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर हम लोग मेंटेन करेंगे, तो ईयर 2009 देखेंगे। तो शॉर्ट वर्किंग ये हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट वर्किंग का कहाँ कहाँ पे जनरल एंट्री हम लोग किए हैं, और हम लोग ये जानते हैं शुरू से हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि जनरल एंट्री से देकर ही हम लोग लेजर का मेंटेन करते हैं। तो ये देखेंगे कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कहाँ पे आया था। तो सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो आया था वो ईयर 2009 में आया था, और कितने का अमाउंट था वो 1600 का था। तो उसकी जो जनरल एंट्री हम लोग किए हुए थे रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट था वो 1600 था और रॉयल्टीज़ का अमाउंट जो था वो 400 था। लेकिन यहाँ पे रॉयल्टी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड को हम लोग देखेंगे। तो 1600 टू यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड करेंगे, यानी कि रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड है, तो वहाँ पे जब क्रेडिट साइड में टू लैंडलॉर्ड है तो मतलब कि क्रेडिट साइड में जब लैंडलॉर्ड है तो यहाँ पे हम लोग जो लैंडलॉर्ड का लिखेंगे वो डेबिट साइड में लिखेंगे एंट्री, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का लेजर बना रहे हैं। तो 1600 रुपीज़ हम लोग यहाँ डेबिट साइड में करेंगे 2009 31 दिसंबर को, और बाई बैलेंस रेडी यानी कि यही जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप देखे होंगे एनालिटिकल टेबल में कि 1600 को जो हमने कैरी फॉरवर्ड में लिया हुआ था, तो यही कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई रिक्यूपमेंट नहीं था। फिर ईयर 2010 में जो है बैलेंस बीडी कर देंगे, हम लोग पहले भी बनाते थे लेजर तो इसी तरह करते थे, तो टू बैलेंस बीडी करेंगे 1600 का। और फिर ईयर 2010 में भी कोई रिक्यूपमेंट कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस रेडी 1600, यानी कि सेकेंड टाइम में भी जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरेट डाउन हो जाएगा 1600। फिर ये नेक्स्ट ईयर के लिए जो है 2011 में 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी करेंगे, तो 1600 रुपीज़ यहाँ पर लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा जनवरी 11 में 1600 शॉर्ट वर्किंग का। तो फिर यहाँ पे जो है लास्ट में जो हम लोग जो एंट्री करेंगे तो 31 दिसंबर 2011 को बाई लैंडलॉर्ड लिखेंगे 1200 रुपया, और 31 दिसंबर को बाई पीएल लिखेंगे 400 रुपीज़। तो बाई लैंडलॉर्ड जो 1200 रुपया होगा, यानी कि 1200 रुपया जो है रिक्यूब कर गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे। और इसकी जो एंट्री हम लोग पहले किए हुए थे कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू कैश, यानी कि जो लैंडलॉर्ड का जो पेमेंट हुआ था उसी में शॉर्ट वर्किंग का भी हम लोग रिक्यूब कर लिए थे 1200 रुपया का, इसलिए यहाँ पे जो एंट्री होगी बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट 1200 रुपया, और 400 रुपया जो अनरिक्यूब हुआ था उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू रॉयल्टीज़ अकाउंट की एंट्री हम लोग किए हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो है केवल पीएल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि पीएल में हम लोग शॉर्ट वर्किंग और पीएल की बात कर रहे हैं, यानी कि तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पीएल लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस 400 रुपीज़। तो टोटल जो है हम लोग 1600 रुपीज़ क्रेडिट साइड में लिखेंगे और 1600 डेबिट साइड में लिखेंगे। इस तरह से ईयर 2011 का खाता हम लोग क्लोज करेंगे, और ईयर 2012 में शॉर्ट वर्किंग नहीं है इसलिए हम लोग शॉर्ट वर्किंग का कोई आगे लेजर हम लोग नहीं बनाएंगे। तो यहाँ तक पूरा लेजर बन चुका है, यानी कि सबसे पहले हम लोग रॉयल्टीज अकाउंट का लेजर बनाए, फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बनाए, फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।